अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे सर्वेशाम नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। जी, आपकी आवाज कम है ऐसा हमको लग रहा है। सर्वेषां नमो नमः। अभी आई ठीक से? हाँ, अभी आ रही है। नवीन महोदय को आ जाने देते हैं। तो पक्वः, पका हुआ, और अपक्वः, कच्चा। और संस्कृत भारती से जब भी आप कोई पुस्तक लेते हैं, शुभम जी और अरुण जी, यदि आप लेते हैं तो ये अवश्य साथ में मंगा लीजिए। ये दिख रही है आपको? देखिए स्क्रीन पे। ये मिरर इमेज दिख रही है क्या? नहीं, बराबर दिख रही है। संस्कृतम दिख रहा है ना? एक वर्ड सेकेंड। दिख रही है ओके। बराबर। महोदय, संस्कृतम वदतु, तो ये हिंदी टू संस्कृत में भी आती है और इंग्लिश टू संस्कृत में भी आती है। और ये जस्ट 5 रुपए की है, जस्ट 5 रुपीज। तो विचेवर जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी, बहुत सारे, संस्कृत भारती इज एन अमेजिंग पब्लिकेशन, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं खरीदने के लिए। आपको उत्सुकता है तो मैं और भी चीजें बता सकता हूँ। अभी सबसे आवश्यक है ये शब्दकोश, ये बहुत काम के हैं। और आपको कोई भी शब्द मन में आया और आपको देखना है कि उसके लिए संस्कृत क्या होगी, तो वो सब शब्दकोश में आराम से देख सकते हैं। तो ये जो संस्कृतम वदतु है, हिंदी टू संस्कृत एंड इंग्लिश टू संस्कृत, इसमें जो हम आम बोलचाल में वाक्य उपयोग करते हैं, जैसे नमस्ते या भोजन का समय है, फिर कब मिलेंगे, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं, सिर्फ प्रश्न नहीं, प्रश्न भी और वाक्य भी, इसमें बहुत सारे, लगभग 500-600 वाक्य दिए हुए हैं। तो इसको कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो साथ में रख सकते हैं। एक पेज भी पढ़ लिया, सीख लिया, तो बहुत नया नया चीजें समझ में आने लगती हैं। तो बहुत काम की है और 5 रुपए की है, इसलिए दूसरे किसी ऑर्डर के साथ आप 4-5 भी मंगा लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो किसी को गिफ्ट भी करने के लिए, बहुत उपहार में देने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है और छोटी सी है, उसका साइज भी ऐसे पॉकेट साइज है। नवीन जी, आपने भी मंगाया हाँ, क्या? पाम साइज है, हाँ साइज ऑफ द पाम। हाँ संस्कृतम वदतु, ये देखो नवीन जी के पास भी आ हमारे पास गई। तीन आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। त्रीनी पुस्तकें अस्ति। तो तमाम तमाम। 15 रुपए में, हाँ, आई मीन दिस इज ये ग्रेट, अनबिलीवेबल आई है, मीन द नोबडी लीस्ट कैन डू दैट, दिस। हाँ, द लीस्ट दैट वी कैन डू फॉर संस्कृतम। आई परचेज लाइक, मैंने 10 खरीदा है, तो आई नाइस। वांटेड टू गिव इट टू अदर स्टूडेंट्स। सो तो आपको वहां आपके टेक्सस सेंटर में मिलने लगा है क्या अभी? नहीं, मैं भारत से मंगा लिया। मंगाया गया? अच्छा, सही, बहुत बढ़िया। तो संस्कृत भारती वालों ने ही भेज दिया डायरेक्ट या किसी के थ्रू मंगाए? मैं किसी के थ्रू मांगा है, मैंने हमारे घर हैदराबाद में घर को मांगा, घर को अच्छा, मांगा था, उधर हाँ, उधर से कोई आ रहा था तो उनसे साथ में लेके आ गए। संपर्क ओके, गुड। करना था। बहुत बढ़िया। हाँ अरुण जी, आप कुछ बोल रहे थे? उत्तमम नवीन महोदय, धन्यवाद ओ अरुण महोदय। तो किसी का प्रश्न पूछना बचा है क्या अभी? शुभम जी ने पूछ लिया, अरुण जी ने पूछ लिया, नवीन जी ने पूछ मोहा लिया, जी ने भी मोहा जी ने कच्चा पक्का पूछा, पर प्रश्न पूछा कि नहीं नहीं, मोहा मैंने जी? प्रश्न नहीं नहीं। पूछा तो चलिए, नहीं। तो आप भी प्रच्छे तो मोहा महोदय महोदया, नवीन।
मोहा महोदया मुझे याद रखना पड़ेगा। नवीन महोदय, नारी केलह की दृश्यम किम दृश्यम अस्ति? नारी नारी केलह नारी केलह किम वर्णम अस्ति किम दृश्यम अस्ति? नारी केलह हरित वर्णम अस्ति। अपि अपक्वः नारिकेलः हरितवर्णमस्ति। अपक्वः नारिकेलः हरितवर्णमस्ति। आम्। अब समझा मैं कि ये पक्का कच्चा क्यों पूज रही थी। नहीं, क्योंकि उसका अलग अलग रंग होता है। अपि नारिकेलः रसम बहु मधुरम अस्ति। बहु मधुरः अस्ति। मोहा महोदय, मरीचिका कीदृशम् अस्ति? मरीचिका अत्र मरीचिका अपक्व एकः नवीन स्वादः दृश्यामि। अब क्या, बस थोड़ी सी एलोंगेट हो गई फिर से प्रश्न पूरा समझ। एकः नवीन स्वादः दृश्यामि। हाँ महोदय, महोदय, आम आम, मरीचिका कीदृशम् अस्ति? मरीचिका हरित वर्णम मरीचिका हरित वर्णम अस्ति। अपक्व मरीचिका रक्त वर्णम अस्ति। रक्त वर्णम अस्ति। आम मरीचिक तीक्ष्ण। हाँ तो चलिए आप ही बोल दीजिए अरुण जी, एक उसकी विशेषता पूरा वाक्य बोल दीजिए। वही बोलो जो महोदय ने बोला। वही भी बोल सकते हैं यदि आपको अभ्यास करना है। हाँ बोलिए आप, अभ्यास होता है, बोलिए। हाँ वदतु। अपक्व अपक्व मरीचिका हरितवर्णमस्ति। आम अस्तु। शुभम महोदय, मरीचिका कीदृशम अस्ति? भिन्नः उत्तरः वदतु। मरीचिका तीक्ष्ण अस्ति। हाँ तो अब यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि मरीचिका क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंत में आकारांत है ना, उससे पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है। तो मरीचिका तीक्ष्णा अस्ति, तो तीक्ष्ण में भी वही होगा कि जैसे कषाय मधुर तीक्ष्ण, वो सब पुल्लिंग में उपयोग होंगे। उसी को यदि नपुंसक लिंग में बोलना है जैसे आम्रम, तो आम्रम मधुरम अस्ति, उसमें मधुरह नहीं होता, वैसे ही मरीचिका तीक्ष्णा अस्ति। तीक्ष्णा अस्ति। तो विशेषण जो है हमेशा उसके संज्ञा को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। जो लिंग संज्ञा का है वही लिंग विशेषण का होगा। जी उत्तमम उत्तमम। और ये अंत में आपको एक नया शब्द भी दिख रहा होगा, मसाला। जो मसाले हम स्पाइसेस जो बोलते हैं ना, जनरल उसका एक शब्द होता है संस्कृत में, उपस्करः। उपस्करः तो तीक्ष्ण किम अर्थम? तीखा, तीखा जिसको हम हिंदी में तीखा कहते हैं ना, जो मिर्ची वाला जो स्वाद है, व्हाट एवर यू कॉल द मिर्ची स्वाद। पर ये हमने प्रश्नवाचक भी लिखा हुआ है पिछली बार पिछली कक्षा में, क्योंकि हमको शब्दकोश के अंदर इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिला था। तो तीक्ष्ण शब्द अलग से ही लिखा हुआ है उसमें, तो तीक्ष्ण एक शब्द है। तो अब तीखा क्योंकि उर्दू शब्द है ना, तीखा हिंदी नहीं है, तो उसके लिए इसलिए मिर्ची का जो स्वाद है
हम ये पक्का करना चाह रहे थे कि उसको संस्कृत में सही में तीक्ष्ण कह सकते हैं या कुछ और भी कहना उपयोगी है। तो आपकी यदि कक्षा होगी तो आप पूछ के देखिएगा किसी से। वैसे हमको, मुझे लगता है कि तीक्ष्ण जो है उपयुक्त है उसके लिए। अस्तु महोदय, धन्यवाद। अस्तु, इदानीं दिनाः पश्यन्तु, एक्स्ट्रा पेज बनाता हूँ मैं यहाँ पे। मम जवनिका पश्यसि वा? पश्यामि। तो हम एक टाइमलाइन जैसा बनाएंगे समय अनुक्रमणी का, और उसके अनुसार दिनों को समझेंगे। और ये बहुत आनंदमयी भी है, और देखते हैं सीखने भी मिलेगा। अद्य रविवासरः, अथवा भानुवासरः। एक और भी आपने बोला था ना एक बार, आदिवासर। हाँ, आदिवासर। अद्य आदिवासर। और सबसे प्रसिद्ध इनमें से जो है रविवासर है। रविवार जो है हिंदी में, गुरु गुजराती में, बहुत सारी दूसरी भाषाओं में रविवार, तो रविवासरः ज्यादा आराम से आपको याद होगा, स्मरण होगा। और कोई भी दिन के अंत में वासरः लगा दीजिए तो वो संस्कृत का दिन हो जाता है। तो अद्य रविवासरः, श्वः आज, श्वः किम दिनम नवीन महोदय? सोमवासरः। शुभम महोदय, सोमवासरः सोमवार कदा अस्ति? मंडे, सोमवार। हाँ, सो सोमवासरः कदा अस्ति? कदा मीन्स व्हेन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सोमवासरः कब है? रविवार के बाद। तो ये यही तो यहाँ रविवासरः श्वः। श्वः मीन्स टुमारो। श्वः अस्ति, जो हम इंग्लिश में या हिंदी में कहते हैं ना कल, कल आने वाला कल। कल परसों है? नहीं, मैं ये समझा कि सोमवार मतलब क्या? अच्छा, नहीं इसलिए मैं बताता जा रहा हूँ। आज के हिसाब से सोमवार मतलब चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। क्या यदि मुझे पूछना है तो मैं किम बोलूंगा, पर सोमवासरः किम पूछना थोड़ा मेरे लिए भी निरर्थक है, क्योंकि सोमवार सोमवार है, उसमें मैं किम क्या पूछूंगा। ठीक है, पर कब है ये मैं अवश्य पूछ सकता हूँ। कदा अर्थात कब, कदा। ठीक है, तो कदा जो है ये संस्कृत शब्द है कब के लिए, व्हेन। तो अब अद्य से हम चालू करते हैं, क्योंकि अद्य आज का है, ये भविष्य का समय है। और इसी दिशा में पहले आगे बढ़ते हैं। तो शुभम महोदय, पुनः वदतु, सोमवासरः कदा? श्वः अवस्ति। हाँ, तो आप सीधे ऐसे बोल सकते हैं सोमवासरः श्वः, या श्वः सोमवासरः, किसी भी क्रम में बोल सकते हैं। संस्कृत में ये बड़ा फायदा है कि जो शब्द पहले मुंह में आया उसको पहले बोल दो, फिर आगे का सोचो।
भवतः वाणी सम्यक् नास्ति आचार्य महोदय। इदानीम् इदानीं सम्यक् अस्ति। अस्तु, तो शुभं महोदय। सोमवासरः कदा? सोमवासरः श्वः अस्ति। हाँ, तो श्वः अस्ति भी बोल सकते हैं और अकेला श्वः तक भी रुक सकते हैं। कई वाक्यों में बिना अस्ति के भी काम चल जाता है। जैसे मैंने बोला आम्रम मधुरम, तो अब मैंने आम्रम मधुरम बोला तो मतलब आम मीठा है, उसमें मैं अस्ति भी लगा सकता हूँ। आम्रम मधुरम अस्ति तो भी पूरा हो जाएगा, उसके बिना भी चलता है, बोलचाल की भाषा में चलता है। यदि शुद्धता के साथ लिखेंगे तो लिखने में अस्ति लगाना अच्छा होता है। ठीक है, तो अद्य रविवासरः। श्वः किम दिनम्? अरुण महोदय, श्वः सोमवासरः अस्ति। सोमवासरः, सोमवासरः। उत्तमम्, धन्यवाद। परश्वः महामहोदय, परश्वः किम दिनम्? परश्वः मंगलवासरः अस्ति। उत्तमम्, परश्वः मंगलवासरः। नवीन महोदय, उपयोग कर सकते हैं क्या? वाक्यानि बना सकते हैं। परश्वः मंगलवासरः आगच्छति, आगच्छति। हाँ, उत्तमम्। तो नवीन महोदय, मंगलवासरः कदा? परश्वः मंगलवासरः। उत्तमम्, प्रपरश्वः किम दिनम्? शुभम महोदय, बुधवासरः। बुधवासरः प्रपरश्वः। तो अब देखिए, अब आपको, जिसको भी हिंदी थोड़ी बहुत पता है, आपको परश्वः समझ में आ रहा होगा कि परसों का जो शब्द बना है हिंदी में, वो इसके कारण ही बना है, क्योंकि संस्कृत में परश्वः कहते हैं। और प्रपरश्वः जो है वो थोड़ा एडवांस्ड है, वैसा हिंदी में नहीं होता। हिंदी में सीधे नरसों कह देते हैं कि परसों और नरसों, ऐसे तरसों नरसों ऐसे कुछ कह देते हैं। जी, नरसो बोलते हैं, उसके आगे तरसो। हाँ, लेकिन संस्कृत में उसका बिल्कुल उत्तम और परफेक्ट शब्द है, उपयुक्त शब्द है, श्वः, परश्वः और प्रपरश्वः। तो सब कुछ श्वः से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्वः मतलब कल, इसलिए परश्वः कल के आगे, और फिर प्रपरश्वः कल के आगे के आगे, कल के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मैं नवीन जी से प्रश्न करूंगा, फिर नवीन जी आगे बढ़ाते जाएंगे। अब मैं सबसे नहीं करूंगा, आप लोग आपस में करेंगे। ठीक है, इनमें से कुछ भी चुन के आप कोशिश कीजिएगा। तो मैं नवीन जी से पूछता हूँ कि नवीन जी, अद्य रविवासरः, बुधवासरः कदा? प्रपरश्वः बुधवासरः। उत्तमम्, अहं पृच्छामि वा? आम् आम्। अद्य मंगलवासरः, परश्वः कदा? परश्वः किम्? तो इसके लिए किससे पूछ रहे हैं आप? किसी से? हाँ हाँ, मोहा महोदय। नहीं महोदय, परश्वः गुरुवासरः अस्ति। उत्तमम्, धन्यवाद। मतलब आप लोग तो सीधे एडवांस प्रश्नों पे आ गए। अभी जो सामने दिख रहा है वही तो, पर ठीक है, अच्छी बात है, इससे ही तो अभ्यास होगा। चलिए महोदय, महोदय, तो
पिछले दिन के लिए क्या होगा? आएगा आएगा, अभी पहले ये वाला तो सीखे, पहले ये वाला सीखते हैं। आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जाते हैं। ये मैं यही पूछने की प्रयत्न में थी कि अगर ऐसे कहते हैं कल शनिवार था तो आज क्या है, आज की जैसे हिंदी में तो कल दोनों उसमें मतलब सेंटेंस में। चलिए मैं अभी से बता देता हूँ तो, क्योंकि उसके बाकी शब्द जो हैं आपको अपने आप बनाने आ जाएंगे। तो बीता हुआ जो कल है उसको कहते हैं ह्यः, तो ह आधा है और फिर यह, तो ह्यः का जो उच्चारण है थोड़ा सा जटिल हो सकता है, पर आपको समझ में आ गया तो कर सकते हैं ह्यः। इसको मैं हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूँ थोड़ा सा ह्यः, इस तरह से उसका उच्चारण करते हैं। तो अद्य रविवासर ह्यः किम दिनः अरुण महोदय? यह शनिवासर शनिवासर। चलिए मोहा महोदय आपका प्रश्न बचा है, अब आप शुरू हो जाइए। और अभी जो सत्य है मतलब सत्य मतलब जो आज का दिन है उसके अनुसार ही चले तो और जल्दी समझ में आएगा। बाद में हम हाइपोथेटिकल जैसे अभी नवीन महोदय ने कोशिश की थी वैसा भी हम कर लेंगे, पर अभी सत्य के अनुसार चल के देखिए मोहा महोदय। अरुण महोदय आद्य रविवासर अस्ति। परश्वः किं वासरः? परश्वः मंगलवासरः। उत्तमम्। चलिए अरुण महोदय आपको प्रश्न करना है। आद्य बुधवासरः। ओके सॉरी, क्षमस्व। अद्य बुधवासरः प्र परश्व किं वासरः? शुभं महोदय। हाँ शुभं महोदय। आद्य मंगलवारम्, नहीं सॉरी आद्य बुधवार, बुधवार बुधवारम् प्रपरश्व प्रपश्व प्रपरश्व शुक्र प्रपरश्व शनि न। हाँ तो पूरा वाक्य बोलिए। शनिवासर। तो आद्य बुधवासर। आद्य बुधवासर प्रपरश्व शनिवासर। उत्तम। चलिए आपको प्रश्न करना है शुभम जी, नवीन महोदय बचे हुए हैं अभी। आद्य बुधवासर आद्य बुधवासर ह्य किम अस्ति? ह्यः उसको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करके देखिए ह्यः, क्योंकि ह्य आप बोलेंगे ना तो जो संस्कृत जानता है उसको समझेगा नहीं यदि विसर्ग को अलग से अपन ने बोला नहीं। हाँ चलिए फिर से ह्यः किम अस्ति? मंगलवासरः। उत्तमम्। तो अब हम बाकी के इसके अनुसार बना सकते हैं, बिल्कुल यही का यही नियम है। जैसे श्वः परश्वः प्रपरश्वः है, वैसे ह्यः पर ह्यः ये मैं पूछ रहा हूँ। ह्यः पर ह्यः तो पर ह्यः किम दिनम? शुक्रवासरः। शुक्रवासरः। और प्रपरह्यः गुरुवासर। तो अब देखिए पूरा का पूरा सप्ताह इसमें हो गया कवर। हाँ गुरुवासर।
तो श्वः सोमवासरे फाल्गुन मासे प्रतिपदा अस्ति। फाल्गुन मासे फाल्गुन, पर ये असत्य है, असल में प्रतिपदा आज है। तो श्वः फाल्गुन मासस्य द्वितीय अस्ति, प्रतिपदा अद्य अस्ति। सो मच। ओके, फाल्गुना 7। ओके, नहीं फाल्गुन मास आपको जो हिंद अपने पंचांग के हिसाब से मास होते हैं वो पता है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अगहन कार्तिक पूष, थोड़ा थोड़ा पता है, पुष्य, फिर माघ फाल्गुन, और फाल्गुन के बाद आई थिंक लास्ट फाल्गुन ही तो है, उसके बाद चैत्र वैशाख फिर से आ जाएगा। क्योंकि मार्च के अंत में गुड़ी पड़वा का उत्सव होता है, तो वही नव वर्ष है हमारा पंचांग के अनुसार। हाँ, असली नव वर्ष तो वही है। हाँ, उगादि, उगादि भी कौन कौन से राज्य में उगादि बोलते हैं, उसी को पोंगल भी कर्नाटक में भी उगादि है। पोंगल संक्रांति, हाँ पोंगल संक्रांति है, तो उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वो होता है युगादि, युग का प्रारंभ। हाँ, ओ युगादि है असल में, वो अपभ्रंश होकर उगादि हो गया। हाँ, ये अच्छा बताया आपने, तो उत्तम महोदय, धन्यवाद महोदय, महोदया महोदया। तो ये अच्छा, तो फिर बाकी दूसरे ये तमिलनाडु और केरला इधर क्या बोलते हैं उसको, पोंगल ओणम। अच्छा ओणम, ओणम केरला में, क्योंकि ओणम केरला का न्यू ईयर, वैसे तमिल न्यू ईयर एक अलग होता है, शायद सितंबर के अराउंड आता है। हाँ, ओ वो सेम टाइम पे नहीं। हाँ, क्योंकि जो नव नववर्ष तो किसानों के लिए होते हैं ना, कर्नाटक का एक ही होता है, उगादि कर्नाटक में भी शायद मनाया जाता है, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश और असम में बिहू कहते हैं, असम में बिहू बोलते हैं। बिहू, बिहू। हाँ, सुना था। और वैसाखी भी होता है ना, वैसाखी, वैसाखी अपने पंजाब में, नहीं नहीं वो तो ये हो, पर वो संक्रांति के समय है शायद। हाँ, संक्रांति के समय, नहीं नहीं वैसाखी तो यही आएगा जो वैशाख है ना, वैशाख। हाँ वैशाख, हाँ तो वैशाख के साथ वो वैसाखी इसीलिए कहा जाता है उसको। तो वही उनका नव वर्ष है या वो अलग है पंजाब में, नव वर्ष की तरह वो मानते हैं या नहीं नहीं पता। बैसाखी तो मतलब एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह ही होता है अप्रैल में। हाँ, तो अधिकतर जो हार्वेस्ट वाले फेस्टिवल्स हैं वही नव वर्ष मानते हैं अलग अलग राज्य, नव वर्ष ही मानते हैं। मगर पंजाब में वही होगा फिर। हाँ, मगर आंग्ल नव वर्ष का, नव का तो कुछ उसका कोई कारण नहीं है, वो तो कारणहीन अर्थहीन नववर्ष है, उस समय कुछ भी नहीं बदलता, उस समय कुछ बदलता ही नहीं, प्रकृति में कुछ नहीं बदलता, मौसम में कुछ नहीं बदलता, नथिंग चेंजेस एंड दे जस्ट स्टार्टेड। तो चलो बदलने की कोशिश करते हैं, अर्थहीन लोग है क्या करें। चलिए ठीक है, तो अभी हम एक बार और प्रश्न काल करते हैं यही दिनों का जिस एक दूसरे से। तो यह शुक्रवासर अद्य किम दिनम, अरुण महोदय। यह शुक्रवासर अद्य किम दिनम, शुक्रवासर शनिवासर। हाँ, अद्य शनिवासर, उत्तमम्। इदानीं पृच्छतु। अद्य
बुधवासरः परह्यः किं वासरः? किससे पूछ रहे हैं, नाम भी ले लीजिए। शुभम, शुभम जी। शुभम महोदय, अद्य शनिवासरः? अद्य बुधवासरः। परह्यः अद्य किं वासरः? परह्यः किं वासरः? सोमवासरः। उत्तमं महोदय। नवीन महोदय, परश्वः, परश्वः बुधवासरः, प्रपरः कदा? प्रपरश्वः गुरुवासरः। प्रपरश्वः गुरुवासरः महोदय। महोदय शुभं महोदय। मम वाणी शृणोति वा? जी जी शृणोमि, शृणोमि। अहं पृच्छतु, पृच्छामि। अहं पृच्छामि, धन्यवादः। अहं पृच्छामि, प्रपरस्वः शुक्रवासरः, अद्य किं वासरः? मोहा महोदय। प्रपरस्वः, प्रपरस्वः, आपने प्रपरस्वः कहा ना? हाँ, प्रपरस्वः शुक्रवासरः, अद्य किं वासरः? अद्य सोमवासरः अस्ति। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। सोमवासरः अथवा मंगलवासरः? प्रपरश्वः शुक्रवासरः, तो परश्वः गुरुवासरः, श्वः बुधवासरः, अद्य मंगलवासरः। उत्तमम्। नहीं, इतनी जल्दी उत्तर दिया तो हमने सोचा ही नहीं। गलत होगा, बहुत भरोसा है। चलो मोहा महोदया, भवत्याः प्रश्नः। अद्य मंगलवासरः अस्ति, परद्यः किं वासरः अस्ति? नवीन महोदय, मंगलवासरः अस्ति, परद्यः किं वासरः अस्ति? परद्यः रविवासरः, रविवासरः अस्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। अब ये ध्यान में रखेंगे हम कि ये जो इमेजिनरी प्रश्न है ना, ये अभ्यास के लिए अच्छे हैं, पर असल में बोलचाल की भाषा में आप शायद वो इमेजिनरी प्रश्नों का उपयोग नहीं करेंगे, पर समझ में आ गया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अद्य अद्य किम अस्ति, और उसके अनुसार हम ह्यः, परह्यः, श्वः, परश्वः सब निकाल सकते हैं। तो इदानीं वो जो मैंने एक नियम बोला था ना बीच में, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि अभी समय 5 मिनट ही बचा है। स्वर व्यंजन। हाँ, तो जब भी अगला अक्षर स्वर है किसी भी शब्द का,
तब हम म का उपयोग करेंगे, या फिर वो अंत में है। नहीं सुना, आवाज नहीं आ रही है। महोदय पुनर्पच्छसि। हाँ, जब भी अगला अक्षर किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य में अगला शब्द का पहला अक्षर यदि व्यंजन है, सिर्फ उसी स्थिति में हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं। तो हमको याद होगा कि एक बार हम, कई बार हमने ये बातें की हैं कि कब अनुस्वार लगता है और कब म की ध्वनि आती है। ध्वनि नहीं, मतलब सुनने में तो वो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, पर कब अनुस्वार लिखते हैं और कब म लगाते हैं किसी भी शब्द में, अंत में। तो जब भी अगला शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो जैसे क ख ग घ ङ, फिर जितने भी व्यंजन हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, तो सारे व्यंजन, इनमें से कोई भी यदि है अगले शब्द में पहला अक्षर, तब हम अनुस्वार उपयोग करेंगे पिछले शब्द में यदि वहां पे म की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पे भी ये जो च है, ये व्यंजन है, तो ये मधुरम भी अनुस्वार वाला मधुरम हो जाएगा। लेकिन मतुलुंगम जो है, इसमें म रहेगा क्योंकि अगला शब्द में स्वर स्वर है, स्वर है। हाँ। और यदि ये अंत में भी आ रहा होता, जैसे मैं लिखता, एक मिनट, आम भाषा में हम फलम पद्धति लिखते हैं, बट क्योंकि संस्कृत में उल्टा सीधा सब एक समान है, इसलिए मैं लिख देता हूँ पतति फलम। तो यदि शब्द के अंत में भी, मतलब वाक्य के अंत में यदि आ रहा है कोई भी फलम, पुस्तकम, तो म पूरा लिखते हैं, तब अनुस्वार नहीं लगता। तो सिर्फ अनुस्वार का सिर्फ एक ही नियम है, जब भी अगला शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है सिर्फ तब अनुस्वार लगता है, केवल तभी लगता है। बाकी सारे स्थितियों में आप म लिखेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये नियम समझा सभी को? हाँ। जी अरुण जी, मोहा जी, मोहा जी से शायद ये मेरी बात हो चुकी है पहले भी, तो उनको मालूम है। मैं भी था पिछली कक्षा में, अरुण जी भी थे, पिछली कक्षा में ही हुई थी ये, इस पर वार्तालाप। चलो, तो ये मुझे संस्कृत भारती से ही पता चला, तो ये हमको अभी साफ हो चुका है। ठीक है, अस्तु, कक्षा समाप्तम करोमि, पुनर्मिलामः, सर्वेषां नमो नमः, शुभरात्रि, सर्वेषां नमो नमः, सर्वेषां नमो नमः, शुभरात्रि, धन्यवादः, शुभरात्रि, शुभदिनं नवीन महोदय, धन्यवादः, सुनक्तम महोदय, सुनक्तम सर्वेषां, धन्यवादः, गुड नाइट, सुनक्तम, पुनर्मिलामः, पुनर्मिलामः।